not a game, it's a red stick. Welcome back to my channel and welcome back after such a long time. I know it's been really long, but I am trying and trying and trying and I won't give up. ये तो आप समझ ही चुके होंगे. तो yes, मैंने recently H&M से काफ़ी सारे clothes order करे और मैंने सोचा मैं आपके साथ उन्हें share करूँ and that is how I again start my YouTube channel. I really hope आपको video पसंद आएगी. I have been shooting after really long time. So a little nervous, but we'll get through it. तो येस आई ऑर्डर लॉर्ड ऑफ क्लोथ्स फ्रॉम H&M बिकॉज मैं अपने वॉर्डरोब से काफ़ी बोर हो चुकी हूँ एंड विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स शो यू व्हाट ऑल आई गॉट. ऑल द लिंक्स टू ऑल द क्लोथ्स विल बी इन डिस्क्रिप्शन बार बिलो क्योंकि अभी अभी खरीदे हैं तो अभी सब कुछ ऑनलाइन है तो सारी लिंक्स मैं आपको नीचे ज़रूर दे दूंगी. एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर दीजिएगा बिकॉज थोड़ा सा ऐसे वीडियोस ऊपर नीचे अपलोड होती रहती है तो अगर आपके पास बेल नोटिफिकेशन ऑन होगा तो व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा. सो या विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. सो द फर्स्ट ड्रेस दैट आई ऑर्डर्ड इज दिस फ्लोरल ड्रेस. मैं बीच बीच में क्लिपिंग्स इंसर्ट कर दूंगी ऑफ मी वेयरिंग द ड्रेस. आई ऑर्डर्ड ऑल दीज ड्रेस इन ड्यूरिंग द मेंबर्स डिस्काउंट तो मुझे सब कम में मिली हैं. लाइक 300-400 सब पे डिस्काउंट मिला था उस टाइम, लगा था 20% काइंड ऑफ, तो मैंने तब ऑर्डर करी थी ये सारी. So first is this floral dress. ये इसका प्रिंट है एंड इट इज अ स्ट्रैपी ड्रेस. इट्स अ मिडी लेंथ और या फिर काइंड ऑफ अ फुल लेंथ एंकल लेंथ काइंड ऑफ ड्रेस. आई एम नॉट श्योर कि मैं रखूंगी कि नहीं क्योंकि मुझे ये एक साइज बड़ा लग रहा है. प्रॉबेबली आई ऑर्डर अ साइज स्मॉलर इन इट एंड देन चेक इफ इट फिट्स मी वेल. वैसे जो इसका MRP यहाँ पे मैंशन है इट इज 1500. द नेक्स्ट इज दिस टॉप. अगेन यू विल सी इन द क्लिप कि ये टॉप बहुत अच्छा फिट नहीं हुआ है मुझे. इसकी जो स्लीव्स है ना वो बड़ी अजीब सी है. इसका कलर बहुत प्रिटी है, फैब्रिक बहुत अच्छा है, लेकिन ना इसकी स्लीव जैसे अटैच्ड सी है जो बहुत प्रिटी नहीं लग रहा था. इट नॉट फिट मी रियली नाइस, मतलब अच्छी सी कोई फिटिंग नहीं आई इस टॉप की. दिस टॉप इज प्राइस्ड एट ₹2700 एंड नो आई एम गोइंग टू रिटर्न दिस वन. लेट्स मूव टू अनदर टॉप. ये मैंने ट्राई करा हुआ है तो ऐसे उल्टा हो रखा है. एक मिनट. दिस इज अ क्रॉप्ड वेस्ट. सारे पहले टॉप जो मेरे हाथ में आ रहे हैं वो वही है जो मैं रिटर्न करने वाली हूँ. अगेन आई हैव गिवन इट अ शॉट, ट्राइड इट. ये क्रॉप्ड वेस्ट है, बिल्कुल ही ऐसे ना बनैन जैसी फीलिंग दे रहा है. सो प्रॉबेबली आई एम नॉट गोइंग टू कीप इट और मैं इसे भी रिटर्न कर दूंगी. आई ट्राई इन ब्लैक कलर इफ इट लुक्स नाइस क्योंकि आजकल शर्ट के नीचे ऐसे टॉप जीन्स जैसे सब कुछ बहुत चल रहा है तो आई रियली वॉन्टेड टू गिव इट अ ट्राई. और ऐसे व्हाइट क्रॉप टॉप के साथ तो इतने सारे आउटफिट आइडियाज आ रहे हैं इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट पे कि आई रियली वॉन्टेड टू गिव इट अ ट्राई, बट ये बहुत अच्छा फिट नहीं हुआ है. विल लुक फॉर सम अदर बेटर ऑप्शन. द नेक्स्ट इज दिस ड्रेस. सारे कपड़े उल्टे पड़े हैं, हमने सीधे करने का कष्ट ही नहीं करा और वीडियो शुरू कर दी तो अब हमें सीधे भी करने पड़ेंगे. सो दिस इज द ड्रेस. इट्स अ वेरी नाइस लूजर काइंड ऑफ ड्रेस. दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू कीप. पहली ड्रेस जो मैं रखने वाली हूँ. इसकी नेकलाइन ऐसे भी है, ओनली प्रॉब्लम इज ये थोड़ा सा डीप है तो इसके नीचे मुझे स्पेगेटी पहननी पड़ेगी. दैट इज हाउ आई वुड लाइक टू कैरी इट, वरना आप ऐसे भी कैरी कर सकते हैं, इतना डीप नहीं है. एंड दिस इज हाउ द स्लीव्स लुक लाइक. ऑफकोर्स आप क्लिपिंग में देख लेंगे हाउ इट लुक्स ऑन मी एंड द कलर इज वेरी प्रिटी. इसमें बहुत सारे प्रिंट्स अवेलेबल है ऑनलाइन, कलर्स अवेलेबल है, सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट. और इसका प्राइस भी बहुत सही है, 1499-1500. अगेन आई थिंक 1100-1200 की ये मुझे ड्रेस मिली थी. एंड इसका फैब्रिक इज लाइक वेरी नाइस सॉफ्ट कॉटन में मजे आ जाएंगे इसको पहन के. एंड वेरी कम्फी काइंड ऑफ ड्रेसेस ना जिसमें बस मुझे ड्रेस पहनो, फुटवेयर पहनो, बैग कैरी करो एंड यू आर सॉर्टेड. ऐसी ड्रेसेस मुझे बहुत अच्छी लगती है. The next I have is this white poplin shirt. Now this shirt का quality is very nice. Again इसका price भी बहुत अच्छा है, 1300 की shirt is like amazing. मैं इसको और एक और color में लेने का सोच रही हूँ but I'll go a size down on it. And it is not like completely transparent. ऐसे लगता है इट इज़ नॉट लाइक कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट बट इट इज़ नॉट लाइक कम्प्लीटली ओपेक ऑल्सो. बट इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, बहुत ही प्रिटी फैब्रिक है. तो दैट इज़ द रीज़न आई एम गोइंग टू रीऑर्डर इट. मैं इसको बटन ओपन करके ऐसे एज अ श्रग ऊपर भी वेयर कर सकती हूँ शर्ट. और शर्ट एंड ब्लू जीन्स, वाइट शर्ट, वो तो क्लासिक ही है. तो या दिस इज समथिंग आई एम गोइंग टू कीप.
द नेक्स्ट आई हैव इज दिस बॉडी सूट. ये सारे ऐसे टेढ़े मेढ़े से कपड़े हैं ना कि वीडियो में दिखाना बहुत मुश्किल है, तो जब मैंने आपको पहने होंगे ना, जो आपको वो क्लिपिंग दिख रही है उसमें आपको प्रॉपरली समझ आएगा. दिस इज हाउ द नेकलाइन ऑफ दिस टॉप गोज एंड इट्स अ बॉडी सूट. तो ये बटन अप होगा, बट अगर आप वो नहीं भी करना चाहते तो उसका जुगाड़ तो सब हो ही जाता है. तो या आई विल शो इट टू यू. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. और यहाँ ऊपर ऐसे दो स्ट्रिंग्स हैं एंड इट गोज लाइक दैट. मैंने एक ड्रेस के नीचे भी इसको ट्राई करा था, इनफैक्ट वही ड्रेस ग्रीन वाली जो मैं आपको बता रही जिसके नीचे इनर जाएगी, मैंने उसके नीचे भी इसको ट्राई करा था और इट लुक्स काइंड ऑफ डिसेंट, बट स्टिल मैं नॉर्मल स्पेगेटी वेयर करूँगी उसके नीचे. एंड दिस इज समथिंग आई वुड लाइक टू स्टाइल इट इन सम अदर वे. अगेन इसका प्राइस इज ऑल्सो गुड, इट इज़ लाइक फॉर 800 bucks. आई थिंक इसमें बहुत सारे कलर्स भी हैं, तो यू कैन गो एंड चेक इट आउट. एंड ये बड़ा स्टाइलिश सा भी है और इसका जो फैब्रिक है दैट इज ऑल्सो वेरी सॉफ्ट. बस इसके फैब्रिक में ये है कि ये लाइक्रा काइंड ऑफ मिक्सा फैब्रिक है, तो ये आपके स्किन को हग करता है. तो बस एक ये है इसमें, वरना इट इज़ वेरी सॉफ्ट एंड वेरी नाइस थिंग. और अगर आपको कुछ ऐसे नीचे पहनने के लिए चाहिए ना, ब्लेजर्स के, शर्ट्स के, ऐसे भी पहन सकते हैं आप इफ़ यू वॉन्ट टू, बट अगर उसके नीचे कुछ चाहिए कुछ स्टाइलिश सा, आई थिंक दिस लुक. The next is again this टेढ़ा मेढ़ा सा टॉप which I am going to keep. मैं इससे पहले वाला भी रख रही हूँ, ये भी रख रही हूँ. अगेन मैं उसकी क्लिपिंग यहाँ पे दिखा दूंगी. I'll show it to you how this one looks. This is again a halter neck, ऐसे halter neck top और ऐसे पीछे से tie होगा. अब ऐसे तो कैसी दिखेगा, अगेन विल सी इन द क्लिप. अगेन दिस वॉज प्राइज फॉर 1300 और मुझे आई थिंक 900 और 1000 रुपीज का ये मिला. और अगेन इसका स्टफ बहुत अच्छा है, इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है. तो या इट लुक रियली नाइस. थिंग दैट आई ऑर्डर्ड इज दिस ड्रेस. दिस इज ब्यूटिफुल, आई हैव ऑलरेडी वॉर्न दिस ड्रेस. ये बहुत अच्छी स्नग फिट होती है मेरे पे. आई रियली लव हाउ दिस वन लुक्स. दिस इज फ्रॉम दिस डिवाइडेड सेक्शन. जो डिवाइडेड सेक्शन है ना H&M पे, उसकी फिटिंग मुझे somehow बहुत अच्छी आती है. तो आई गॉट दिस ब्लैक एंड व्हाइट ड्रेस एंड इट लुक्स फैबुलस. इट्स अ मिडी लेंथ ड्रेस. इसका नेकलाइन ऐसे है, टैंक टॉप जैसा ऐसे नेकलाइन है इसका. इट्स अ मिडी लेंथ ड्रेस एंड फिट्स वेरी नाइस. दिस इज समथिंग आई हैव ऑलरेडी केप्ट. मैं इसका टैग उतार चुकी हूँ, ऑलरेडी वॉर्न एंड डन. द नेक्स्ट दैट आई गॉट इज दिस. आजकल ये बहुत चल रहे हैं क्रोशिए के पैंट्स. आई ट्राइड इट ऑन बट नॉट रियली माई लाइक माई टेस्ट. मैं इसे कैरी नहीं कर पाऊंगी, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट. सो आई एम गोइंग टू रिटर्न इट. इट्स अ बेल बॉटम काइंड ऑफ मैश ट्राउजर्स. ऐसे नीचे से ब्रॉड है और ऊपर से ऐसे यहाँ से ऐसे थोड़े टाइट है और ऊपर से अगेन ब्रॉड. तो काइंड ऑफ बेल बॉटम स्टाइल है. इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगी जस्ट इन केस इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दैट. बट मैं इसे इतना कैरी नहीं कर पाऊंगी तो मैं इसे वापस कर रही हूँ. और ये प्राइस भी बहुत अच्छा था. आई थिंक इट वॉज फॉर 800 रुपीज उस टाइम सेल में. नेक्स्ट आई गॉट इज दिस ड्रेस. इट्स अगेन अ स्ट्रैपी ड्रेस और ये ना मिडी लेंथ ड्रेस है. और ये बहुत ही प्यारा फैब्रिक है इसका, बहुत ही अच्छा स्नग करता है. और बैक पे ऐसे एक स्लिट है. तो इट लुक्स वेरी नाइस. और मैंने अगेन इसको वाइट ओपन शर्ट के साथ पहना था. इट लुक फैबुलस एज इट इज़ भी. अगर आप इसको वेयर करेंगे विद नाइस हुप्स एंड नाइस सैंडल्स तो ये बहुत अच्छा लगेगा. वेरी क्लासिक सिंपल ड्रेस. मैंने जब शॉप करा तो मैंने देखा मेरे पास वाइट, ब्लैक्स एंड ब्राउन्स ही है जो मैंने मैक्सिमम शॉप करा है. एक आध कोई कुछ ग्रीन है, दैट्स इट. बट ये क्लासिक पीसेस बहुत तरीके से स्टाइल हो जाते हैं एंड यू कैन रीवेयर देम इन सो मेनी वेज. तो वैसे भी मुझे मतलब सिंपल क्लासिक पीसेज ही पसंद आते हैं. तो या आई हैव केप्ट दिस. द नेक्स्ट अगेन आई हैव वो आपने मैश में जो बेल बॉटम पैंट्स देखी थी उसी में. दीज आर द सिंपल बेल बॉटम पैंट्स. लॉ दीज आर नॉट जीन्स, ये जेगिंग स्टाइल है. तो ये इलास्टिक बैंड है यहाँ पे विच फिट्स रियली नाइस. तो मुझे ऐसा ही कुछ चाहिए था, कम्फी. इसका मटीरियल बहुत सॉफ्ट है सो इट्स कम्फी. यू कैन नाइस ईजिली वेयर देम विद योर टॉप्स एंड एवरीथिंग. और इसका प्राइस बहुत सही था. इट वॉज प्राइज फॉर आई थिंक इसका MRP ही 1300 है और मुझे तो आई थिंक 700 या कुछ में ही मिल गई थी. बिकॉज आई थिंक इट वॉज अ लास्ट पीस लेफ्ट और समथिंग. तो मेरी साइज में अवेलेबल था एंड आई वेंट अहेड एंड ऑर्डर इट. द लास्ट टू पीसेज दैट आई हैव आर माई फेवरेट. लाइक मुझे बहुत अच्छे लगे. उसमें से एक मैंने रखा है, एक मैंने डिस्कार्ड कर दिया बिकॉज थोड़ा कंफर्टेबल नहीं था. बट मुझे बहुत पसंद था बट आई हैड टू डिस्कार्ड क्योंकि वो वेयरेबल ज़्यादा नहीं था. सबसे पहले जो रखा है वो दिखाती हूँ. तो दिस इज द ड्रेस आई हैव केप्ट. दिस इज अ प्लीटेड ड्रेस. इसमें एक प्रिंट भी आया है, फ्लोरल सा प्रिंट. आई रियली लाइक द कलर, द प्लेन सॉलिड कलर. सो आई केप्ट दिस. दिस इज अ ए लाइन ड्रेस. अगेन बहुत प्रिटी लगती है, वेरी कैजुअल. जो मैं आपको बोल रही थी ना, ड्रेस पहनो, फुटवेयर पहनो, बैग कैरी करो एंड यू आर आउट ऑफ द हाउस, दैट काइंड ऑफ ड्रेस. तो दिस इज व्हाट आई हैव केप्ट.
और जो मैंने नहीं रखा अगेन दैट वॉज प्राइस फॉर अराउंड 2200 और समथिंग और डिस्काउंट कर लो तो थोड़ा कम हो जाएगा. नाउ दिस वॉज नॉट अवेलेबल ऑनलाइन, ये मुझे स्टोर पे मिली थी H&M पे डिवाइडेड सेक्शन में से. अगेन दिस इज हाउ द ड्रेस लुक्स लाइक. इसका प्रिंट बहुत प्यारा है. नाउ द प्रॉब्लम विद दिस इज इसका ना गला बहुत ब्रॉड है, इट्स अ ब्रॉड स्क्वायर गला और ऊपर से यहाँ सेंटर में स्लिट भी है, तो दोनों चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही थी. आई डिड ट्राई ट्यूब टॉप, आई ट्राइड एवरी थिंग आई कुड अंडर दिस ड्रेस, बट कुछ भी मैनेज नहीं हो पा रहा था कि ये अच्छी वेयरेबल लगे. एंड इट्स अ शॉर्ट ड्रेस टू, ये लॉन्ग भी नहीं है, तो शॉर्ट ड्रेस वाइड गला और फिर ऐसे स्लेट, तो ये बहुत ज़्यादा हो जा रहा था फॉर मी. दो इट हैज़ फुल स्लीव्स एंड वेरी प्रिटी सी स्लीव्स है इसकी, बट ये जो सब एडिशन थी ये बहुत ज़्यादा हो रहा था टू कैरी. तो आई थिंक आई मतलब मुझे लगा मैं इसे कैरी नहीं कर पाऊँगी, आई वॉन्ट बी एबल टू टेक इट आउट, तो इट्स बेटर टू रिटर्न इट नो मैटर हाउ मच आई लव इट, बट मुझे ये वापस करनी पड़ेगी. सो या दिस वॉज माई शॉर्ट एंड स्वीट H&M का हॉल. मैंने फटाफट आपको सारी ड्रेसेस दिखा दी बिकॉज आई रियली वॉन्टेड यू टू गाइज सी के लेटेस्ट कलेक्शन में से मुझे क्या पसंद आया. एंड लेट मी नो इन कमेंट्स बिलो विच वन इज योर फेवरेट. एंड येस होपफुली आई बी अपलोडिंग रेगुलर वीडियोज एंड आई शेल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन.